तो दोस्तों आज 1 मई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा से जुड़ी टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू। आपको बता दें उच्च शिक्षा से जुड़ी टास्क फोर्स ने तय किया है कि नए सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लॉकडाउन की अवधि के बाद विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की छुट्टियां अपने शैक्षणिक कैलेंडर में प्रस्तावित नहीं करेंगे और राज्यपाल सचिवालय से इसका अनुमोदन कराएंगे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार नहीं विश्वविद्यालय, 3000 पेपर शेष। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों में शेष रही परीक्षाओं को लेकर हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें सीमित संसाधनों के बीच ऑनलाइन परीक्षा, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, OMR पैटर्न, इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर को के अंकों के आधार पर फैसला लेने को कहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं को करवाना संभव नज़र नहीं आ रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, MDH यूनिवर्सिटी अजमेर, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, RTU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन परीक्षाओं की संभावनाओं से इनकार कर चुकी हैं। PTI भर्ती परीक्षा में 237 नए उम्मीदवार भी हुए पास, 161 अभ्यर्थी नॉन TSP क्षेत्र से। आपको बता दें चयन बोर्ड ने PTI भर्ती में पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद 237 और अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करते हुए उनकी नियुक्ति की अभिशंसा की है। इसमें 161 अभ्यर्थी नॉन TSP और 76 अभ्यर्थी TSP क्षेत्र से हैं। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गई थी, इनको प्रोविजनल रखा गया। फिर से हुई जांच के बाद योग्य पाए जाने पर अब इनका अंतिम परिणाम जारी किया गया है। लवण और हथकरघा निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी। राजस्थान चयन बोर्ड ने उद्योग विभाग के लिए आयोजित हुई लवण निरीक्षक सीधी भर्ती 2018 और हथकरघा निरीक्षक सीधी भर्ती 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। इन भर्तियों में पदों के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता और दस्तावेज जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें हथकरघा निरीक्षक भर्ती में 6 पदों के मुकाबले 10 अभ्यर्थियों को चुना गया है, वहीं लवण निरीक्षक भर्ती में 5 पदों के मुकाबले 9 अभ्यर्थियों को पात्रता और दस्तावेज जांच के लिए पात्र घोषित किया गया है। कोरोना काल में मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक की एजुकेशन अटकी। प्रदेश सरकार की ओर से CBSE पैटर्न पर संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कोरोना वायरस के कारण प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन पर संकट खड़ा हो गया है। कक्षाओं के लिए स्कूलों में भवनों का निर्माण कार्य लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है। अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूलों में अभी 6 से 12 तक की पढ़ाई हो रही है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकार ने पहली बार यहाँ प्री प्राइमरी तक की कक्षाएँ संचालित करने की योजना बनाई थी। आपको बता दें प्रवेश प्रक्रिया, IU पाठ्यक्रम तय करने पर अभी भी मंथन जारी है। माना जा रहा है कि 90% स्कूलों में भवन निर्माण मई जून तक हो जाएगा और जुलाई से कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल की मिलेगी पूरी सैलरी, नहीं होगी कटौती। आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें अप्रैल माह की पूरी सैलरी मिलेगी, वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मार्च में कर्मचारियों की 30-50% सैलरी काटी थी, जिससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सभी के जहन में यह सवाल था कि अगले महीने सैलरी पूरी मिलेगी या नहीं। राज्य सरकार ने राहत देते हुए कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का फैसला लिया है। गत माह सैलरी काटने के मामले में कर्मचारियों की सरकार के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई थी। कोरोना महामारी से लड़ रही सरकार की आय के रास्ते फिलहाल बंद है, ऐसे में खजाना भी खाली हो चुका है। इसके लिए सरकार ने मार्च में राजपत्रित अधिकारियों की 50% और अधीनस्थों की 30% सैलरी काटी थी। कक्षा 1 से 9वीं व 11वीं के सभी स्टूडेंट हुए पास। शिक्षा विभाग के पोर्टल शाला दर्पण पर शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 9वीं व 11वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। अब स्कूल स्तर से प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। शाला दर्पण अनुभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र प्रसाद मील ने बताया कि क्रमोन्नति प्रमाण पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे डाउनलोड कर संस्था प्रधानों द्वारा हस्ताक्षर करके विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों को अंक तालिका दी जानी है। निदेशालय द्वारा 10 अप्रैल को जारी मार्गदर्शन के अनुसार रिकॉर्ड तैयार कर ऑफलाइन अंक तालिका स्कूल स्तर से देनी होगी। MDSU अब परीक्षाएं 3 की जगह 2 घंटा कराने पर विचार। UGC ने कहा सभी यूनिवर्सिटी परिस्थितियों के मुताबिक परीक्षाओं को कराने के लिए अपनाएं सरल तरीका।
आपको बता दें यूजीसी ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के कारण यूनिवर्सिटीज़ को 1 से 31 अगस्त के बीच एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह प्रक्रिया फर्स्ट ईयर के लिए होगी, जबकि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दी जाएगी। टर्मिनल सेमेस्टर यानी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। यूजीसी ने प्रथम वर्ष की क्लासें 1 सितंबर से, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की कक्षाएं 1 अगस्त से प्रारंभ करने के लिए कहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी को सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। जीएनएम स्वाइनिंग के लिए एक से दूसरे जिले में जा रहे हैं। सरकार घर में रहने का दे रही निर्देश, लेकिन चिकित्सा विभाग के 7 दिन में ज्वाइनिंग के आदेश ने तोड़ी सब बंदिशें। आपको बता दें प्रदेश भर में लॉकडाउन के चलते सरकार सभी को जहां है वहीं रहने और घर में रहने की सलाह दे रही, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा जारी जीएनएम भर्ती के चलते 7 दिन में ज्वाइनिंग देने के आदेश ने सब बंदिशें तोड़ दी हैं। पूरे प्रदेश से ज्वाइनिंग के लिए एक से जिले से दूसरे जिले में अभ्यर्थी निजी वाहनों से आ जा रहे हैं। कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जहां उनकी ज्वाइनिंग दी है, वहां उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। गुरुवार को MGH नर्स ग्रेड सेकंड पर ज्वाइनिंग के लिए जयपुर, झुंझुनू और अन्य जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे। लॉकडाउन में जिले के 4258 शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी दे रहे हैं सेवाएँ। 3 पारियों में शिक्षा विभाग के कार्मिक करीब 1 माह से 24 घंटाएँ सेवाएँ दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर ने बहुत कुछ बदला है। संक्रमण से बचाव के लिए लोग अपने घरों से ऑनलाइन कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसा ही वाकया नोर हनुमानगढ़ को से देखने को मिला, जहां प्रधानाचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेवानिवृत्ति समारोह को मनाया। बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, इसलिए शिक्षा विभाग ने अध्यापकों से मांगी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री। शाला दर्पण पर 10 मई तक ऑनलाइन सामग्री भेज सकेंगे। आपको बता दें शिक्षा विभाग ने क्लास वाइज अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए। खास बात यह है कि इससे स्कूली बच्चे अब घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री मांगी है, जो 3 मिनट की होगी। शाला दर्पण के जरिए शिक्षक अध्ययन सामग्री 10 मई तक ऑनलाइन भेज सकेंगे। आपको बता दें इसके लिए वही शिक्षक पात्र होंगे जिसने ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार की है। इन कक्षाओं के लिए तैयार की जाने वाली अध्ययन सामग्री नए पाठ्यक्रम के मुताबिक होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा NCERT पाठ्यक्रम। पहले चरण में कक्षा 6 से 9 व 11वीं की किताबें बदलेंगी। कई पुस्तकें जिले के डिपो पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें CBSE की तर्ज पर अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा। पहले चरण में नए शिक्षा सत्र से कक्षा 6 से 9 व 11 की पाठ्य पुस्तक बदलने जा रही है। इनमें से कई पुस्तकें लॉकडाउन से पहले जिले के पाठ्य पुस्तक मंडल के संग्रहण केंद्र में आ चुकी हैं। हालांकि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने इस बार समय पर स्कूल में किताबें पहुंचने की तैयारी की थी, लेकिन लॉकडाउन से सभी तैयारी ठप हो गई। परिवहन के साधन बंद होने से जिले में 20 मार्च को अंतिम खेप किताबों की पहुँची थी। साथियों ये थी आज 1 मई 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी ताज़ा खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक अपडेट लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। आज की इस वीडियो में साथी बस